इस वे की वड्डी अहम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहा, जिथे बीजेपी लीडर संदीप दाइमा वालों एक विवादित बयान दिता गया सी, जिस तो बाद सिख जथेबंदियां च रोस पाया जा रहा है। तो हम दस दी कि उन्होंने राजस्थान दे विच एक बयान जारी किया, जिस उन्होंने कहा सी कि गुरुद्वारे नूं उखाड़ सुट्टो, जिस तो बाद लगातार ही उन्हों का विरोध किया जा रहा है, सिखां दे विच रोस पाया जा रहा है। उधर SGPC दे वल्लों भी इस बयान की निखेधी की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगू मुआफ़ी मंग, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घिनौना बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारे नूं उखाड़ सुट्टो, जिस तो बाद SGPC ने इस बयान की निखेधी की। उधर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों भी इस बयान की निखेधी की गई। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी आगू नूं मुआफ़ी मंगनी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिता है। उन्होंने कहा सी कि गुरुद्वारे नूं ढहा सुट्टो, जिस तो बाद सुखबीर सिंह बादल ने भी मुआफ़ी की मांग की है। विरोध विचाले भाजपा के आगू ने मुआफ़ी भी मंगी है। उन्होंने एक वीडियो जारी की है, अपने बयान ते स्पष्टीकरण दिंदे होए उन्होंने कहा कि मैं गुरुद्वारे बारे नहीं बल्कि मस्जिद दा मदरसियां दी गल करना चाहुंदे सन। जिक्रयोग है कि दाइमा दी रैली दौरान गुरुद्वारे बारे एक टिप्पणी कीती सी, जिस तो बाद सोशल मीडिया ते उन्हां दी आलोचना कीती जा रही सी। उन्हां नूं लगातार विरोध का सामना करना पिया सी ते हुण उन्हां ने मुआफ़ी भी मंग ली है, पर अजे भी इस गल नूं लै के सिख जथेबंदियां च रोस पाया जा रहा है। राजस्थान में पता चल जाए कि बाबा बालकनाथ जी तिजारा से चुनाव जीत कर आए हैं और उनको राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिले। हम ये सबका फर्ज बनता है और पूरे तिजारा मेरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम, धन्यवाद। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है। मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूँगा। मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सत श्री अकाल।